हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। हम आपके लिए लाते हैं कवियों का संसार, जिसमें हम चलते हैं किसी ना किसी कवि या लेखक के उस संसार में जो हमसे अनजान है। हम जानते तो हैं, अगर हम उनके बारे में खोजना चाहें तो उनकी जन्मतिथियां हमें मिल जाती हैं, उनकी मरण तिथि मिल जाती है, थोड़ा बहुत जीवन मिल जाता है, कृतियां मिल जाती हैं, लेकिन डिटेल में हम बहुत सारी चीजों को नहीं जान पाते हैं। तो इस सीरीज में हम किसी न किसी कवि या लेखक के उस संसार में चलते हैं जिनसे हम अनभिज्ञ हैं। आज हम चल रहे हैं धर्मवीर भारती जी को जानने, ठीक है। तो इनके द्वारा रचित बहुत सारी रचनाओं को हम लोगों ने पढ़ा है। अब धर्मवीर भारती के नाम से तो आप परिचित हैं, मगर उन्हें आप बायफेस भी यहाँ देख सकते हैं, उनकी पिक्चर यहाँ लगाई गई है ताकि आप उनको बायफेस भी समझ सकें कि ये वो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इतनी सारी रचनाएं की। चलिए आगे देखते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे आप देख जानते हो कि हम छोटा सा एक इनिशियल परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं इनका नाम धर्मवीर भारती। जन्म हुआ 25 दिसंबर 1926। डेट याद रखिएगा, क्रिसमस के जस्ट नेक्स्ट डे 26 दिसंबर 1926 में। जन्म स्थान है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। जो लोग अभी जानते होंगे, रिसेंटली इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयाग रखा गया है, पहले भी प्रयागराज ही था, ठीक है। मृत्यु हुई उनकी 4 सितंबर 1997, यानी कि 1997 में। मृत्यु स्थान रहा मुंबई। माता का नाम चंदा देवी, पिता का नाम चिरंजीव लाल वर्मा, ठीक है। आगे आते हैं, पुत्र है किंशुक भारती, पुत्री है परमिता एंड प्रज्ञा भारती। तो दो पुत्रियां एक पुत्र है, पुत्र किंशुक भारती, पुत्री रही परमिता और प्रज्ञा भारती। इनकी प्रमुख रचनाएं रही, अभी तो रचनाओं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो जो कुछ ज्यादा फेमस रही वो रचनाएं हम देख रहे हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, याद रखिए सूरज का सातवां घोड़ा हम लोगों ने उपन्यास के रूप में पढ़ा हुआ है। अंधा युग, फेमस रेडियो नाटक है। कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग, सात गीत वर्ष, नदी प्यासी थी, कही अनकही, ठेले पर हिमालय, पश्यंती, चांद और टूटे हुए लोग। तो ये क्या थी इनकी जो जो बहुत ही फेमस हुई रचनाएं, ये वो रचनाएं। अभी हम इनके रचनाओं को डिटेल में भी देखने वाले हैं। भाषा है परिमार्जित खड़ी बोली, यानी कि जो एक ट्रेडिशनल खड़ी बोली होती है उसको थोड़ा और अच्छे से, मुहावरों, लोकोक्तियों, देशज और विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग है। तो इनकी भाषा में ये देशज, विशेष, तत्सम, तद्भव शब्दों का काफी इस्तेमाल किया गया है। शैली है भावनात्मक, वर्णात्मक, शब्द चित्रात्मक, आलोचनात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक, यानी कि इन्होंने भावों को अच्छे से प्रदर्शित किया है, हर चीज को बहुत ही वर्णन किया करा है। चित्र, शब्दों के माध्यम से चित्र उकरने की कोशिश करी हुई है। आलोचना है, अगर कोई चीज नहीं है तो इन्होंने आलोचनाएं भी करी है। और हास्य व्यंग्य है, तंज है चीजों के बारे में। साहित्य काल इनका रहा आधुनिक काल। अब साहित्य की कौन सी विधाओं में इन्होंने काम किया है, निबंध है, काव्य है, कहानी है, एकांकी, आलोचना, नाटक। तो इनका नाम मेनली जो है वो नाटक और एकांकियों के लिए ज्यादा फेमस है, ध्यान रखिएगा। आप लोग जब अभी क्लास ट्वेल्थ में अगर पहुंचोगे, या जो लोग क्लास ट्वेल्थ में हैं, तो उसमें एक है रेडियो नाटक या नाटक से संबंधित, तो उसमें धर्मवीर भारती का नाम काफी आया है, आप उनमें उनका नाम देख सकते हैं। साहित्य में इनका स्थान रहा एक उत्तम निबंधकार, उपन्यासकार, कवि और सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में। हमने बताया कि ये नाटक के लिए काफी फेमस हैं। संपादन किया इन्होंने धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका। तो मोस्टली आप ये जानिए कि जितने भी साहित्यकार रहे जो लेखन के क्षेत्र में हैं, उसमें मैक्सिमम जो हैं वो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जुड़े, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई पत्रिका का संपादन किया है। उसी तरीके से धर्मवीर भारती जी ने जो पत्रिका का संपादन किया है वो है धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका का। फिर आ जाते हैं इनको पुरस्कार। इनके लेखन कार्य बहुत ज्यादा रहे तो इनको पुरस्कार भी उसी हिसाब से मिले। पद्मश्री मिला है, हल्दीघाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार 1984 मिला है, व्यास सम्मान है, सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी दिल्ली 1981 से मिला है, भारत भारती पुरस्कार 1979 में मिला है, महाराष्ट्र गौरव 1994 में मिला है। तो बहुत सारे इनको जो है पुरस्कार मिले हैं। तो ये तो हमने इनका देखा कुछ
जो कहते हैं ना, जो हम प्राइमरी इंट्रोडक्शन बोलते हैं, वो हमने इनके बारे में जाना। चलिए अब देखते हैं डिटेल में। महान गद्य लेखक एवं उच्च कोटि के पत्रकार डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिए प्रयागराज जो में हुआ था। तो इन्होंने मेनली किसमें काम किया है, गद्य के क्षेत्र में इनकी पहचान ज्यादा है। ऐसा नहीं कि काव्य नहीं लिखा, काव्य भी लिखा है, लेकिन इनके गद्य रचनाएं ज्यादा फेमस हुई हैं। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की, तो हिंदी में इन्होंने पीएचडी भी की है। उन्होंने कुछ वर्षों तक वहीं से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र संगम का संपादन भी किया। तो कहां पर, इलाहाबाद में संगम पत्र जो है प्रकाशित होता था, उसका संपादन कार्य भी कुछ वर्षों तक किया। धर्मवीर भारती इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक भी रहे। तो कहां रहे, हिंदी, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए भी किया, पीएचडी भी किया और बाद में वही प्राध्यापक यानी कि प्रोफेसर भी रहे। सन 1959 में वो मुंबई से प्रकाशित होने वाले हिंदी के प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र धर्म युग के संपादक बने। तो उसके बाद वो कहां आए, मुंबई आए। मुंबई में एक पत्र साप्ताहिक, साप्ताहिक मतलब वीकली जो है ये पत्र निकलता था, यानी कि समाचार पत्र, पत्रिका यानी कि मैगजीन, पत्र यानी कि आपका समाचार पत्र। अब ये वीकली निकलता था और जो है इसके इनका संपादन इन्होंने किया, कौन सा था, धर्मयुग। सन 1972 में धर्मवीर भारती को भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया। 4 सितंबर 1997 में उनका निधन हो गया, ठीक है। धर्मवीर भारती प्रतिभाशाली कवि, कथाकार, नाटककार। तो हम ये नहीं कह रहे कि, हमने आपको पहले बताया कि इन्होंने ज्यादातर कार्य गद्य में किया है लेकिन काव्य भी किया है। तो कवि भी रहे, कथाकार, नाटककार थे। उनकी कविताओं में राग तत्व की रमणीयता के साथ बौद्धिक उत्कर्ष की छटा दर्शनीय है। कहानियों और उपन्यासों में उन्होंने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उठाते हुए बड़े ही जीवंत चरित्र अंकित किए हैं। भारती जी में समाज की विद्रुप्तता पर व्यंग करने की विलक्षण क्षमता थी, यानी कि समाज में जो विसंगतियां फैली हुई हैं, यानी कि जो कुप्रथाएं फैली हैं, उस पर इन्होंने बहुत ही सटीक व्यंग किए हैं ताकि लोग इसके बारे में जान और समझ सके। अब इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि इनकी जो रचनाएं रही वो बहुत सारी इन्होंने करी हैं। चलिए, धर्मवीर भारती जी के लगभग 20 ग्रंथ प्रकाशित हुए, कितने, 20, जिसमें कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधायुग और सात गीत वर्ष काव्य है, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास है यानी कि नॉवेल है, नदी प्यासी थी नाटक है, कहीं अनकहीं ठेले पर हिमालय पश्यंती निबंध संग्रह है, चांद और टूटे हुए लोग कहानी संग्रह है तथा देशांतर अनुवाद है। अनुवाद मतलब किसी दूसरी भाषा में था जिसे इन्होंने हिंदी में अनुवादित किया है, आदि उल्लेखनीय कृतियां। तो ये तो कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो मेनली इनकी बहुत फेमस हुई। ये सभी आप देख रहे हैं, आपका काव्य रचनाएं हैं, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, कहानी संग्रह है, अनुवाद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब धर्मवीर भारती जी की कहानी संग्रहों को देखते हैं। अब हम इनकी रचनाओं को डिटेल में देखने वाले कि कब इन्होंने कौन कौन सी रचना करी है। तो कहानी संग्रह, कहानी संग्रह का मतलब समझते हैं, इन्होंने बहुत सारी कहानी लिखी, उसको एक बुक में रखे गए बहुत सारी कहानियों को और वो बन गया आपका कहानी संग्रह। तो क्या है, मुर्दों का गांव ये 1946 में है, स्वर्ग और पृथ्वी 1949 में है, चांद और टूटे हुए लोग 1955 में, बंद गली का आखिरी मकान 1969 में, सांस की कलम से समस्त कहानियां एक साथ, ठीक है। तो ये आपके कुछ कहानी संग्रह हैं जो इस सन में प्रकाशित हुए हैं। अब आ जाते हैं धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह, ठीक है। अब क्या है, उन्होंने काव्य भी, हमने बताया कि काव्य उन्होंने कम लिखा है लेकिन लिखा है, तो ये काव्य संग्रह क्या है, ठंडा लोहा 1992,
बावन में सॉरी ठीक है 1952 में, सात गीत वर्ष 1959 में, कनुप्रिया 1959 में, सपना अभी भी है 1993 में, अध्यांत 1999 में, देशांतर 1960 में। फिर आते हैं धर्मवीर भारती के उपन्यास, अब उपन्यास गुनाहों का देवतरा 1949 में, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में, 11 सपनों का देश प्रारंभ व समापन। तो ये इनके कुछ उपन्यास हैं। अब आ जाते हैं इनके निबंध। धर्मवीर भारती ने बहुत सारे निबंध भी लिखे हैं, वो निबंध कौन से हैं? ठेले पर हिमालय 1958 में, पश्यंती 1969 में, कही अनकही 1970 में, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 में, शब्दता 1977 में, मानव मूल्य और साहित्य 1960 में। धर्मवीर भारती के एकांकी व नाटक नदी प्यासी थी, नीली झील, आवास का नीलम आदि, तो ये क्या है इनके कुछ एकांकी या नाटक हैं। फिर धर्मवीर भारती के पद्य नाटक, ध्यान रखिए सबसे फेमस नाटक है अंधा युग, जो हुआ 1954 में, ठीक है सॉरी ये एक नहीं रहेगा, ये 1954 है 1954 में। धर्मवीर भारती की आलोचना, प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, ये कुछ उन्होंने आलोचनाएं करी हैं कुछ चीजों पर जिन पे वो सेटिस्फाई नहीं है, उस पर उन्होंने अपने कुछ लेख लिखे जो एक आलोचनात्मक लेख के रूप में जाने गए। इसके अतिरिक्त विश्व की कुछ प्रसिद्ध भाषाओं की कविताओं का हिंदी अनुवाद भी देशांतर नाम से प्रकाशित हुआ। ये सब करने के बाद विश्व में अलग अलग भाषाओं में बहुत सारी जो है वो कविताएं लिखी गई। इन कविताओं को इन्होंने हिंदी में अनुवादित किया और इन्होंने एक काव्य संग्रह देशांतर में वो सारी हिंदी अनुवादित कविताओं को प्रकाशित किया। तो देखा आपने, ये रहे हमारे धर्मवीर भारती, जिनके बारे में आज हमने बहुत कुछ जाना और समझा, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में सभी कुछ। तो इसी तरीके से मैं हमेशा कोशिश कर रही हूं कि कोई ना कोई कवि या लेखक आपके पास लेकर आऊं जिनसे आप परिचित हो सकें। तो अगली बार भी कुछ ऐसे ही एक कवि या लेखक को लेकर आऊंगी, लेकिन ध्यान रखिए ये सिर्फ आपको मिल रहे हैं डेफिनेट सक्सेस की इसी पाठशाला पे, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर आपको करना है, ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर इसे करते रहिए। मिलेंगे अगली बार फिर से एक नए कवि के साथ। बाय।